सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आप लोग बड़े शॉर्ट नोटिस पे आपने तकलीफ़ की आने की। बेसिक पर्पस था कि हम आपके ज़रिए पब्लिक को बताना चाहेंगे कि पिछले दिनों से ये जो बर्फ़बारी वगैरह हुई थी, पिछले सालों के मुकाबले में उस पिछले एक्सपीरियंस को देखकर लोगों में भी शायद ये था शको शुबात के शायद इस दफ़ा बिजली की हालत ख़राब होगी, पानी नहीं मिलेगा, रोड्स नहीं चल पाएंगी। तो मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हम आइडियल तो नहीं पहुंचा पाए, लेकिन जो हमारी कोशिशें थीं और जो हमने ड्यूरिंग समर जो हमने सारी प्रिपरेशंस की और सारे जितने कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, जो क्रिटिकल डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पब्लिक सर्विसेज को लेकर, एसेंशियल सर्विसेज को लेकर, उनके साथ जितना भी हमने होमवर्क किया था उसने अच्छा फ्रूट दिया। और आज की डेट में हम आपको बता सकते हैं कि करीबन करीबन एक स्टेशन को छोड़ के 33 KV का जो स्टेशन है हमारा करना का, जिसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा कि उसके लिए भी तंगदोस्त से कोशिश की जा रही है। इस वक्त भी लोग काम पे लगे हुए हैं, 4-4 फीट बर्फ़ में वो काम कर रहे हैं। और मुझे यकीन दिलाया गया है कि या तो आज शाम को नहीं तो कल दोपहर तक वहाँ की भी बिजली रिस्टोर हो जाएगी। मैं कांस्टेंटली करना के लोगों के साथ, जो वहाँ के लोकल्स हैं उनके साथ कांटेक्ट में हूँ। जहाँ तक रेस्ट ऑफ द वैली का ताल्लुक है, हमारे जो 33 KVA थी वो बिल्कुल करीबन करीबन फॉल्ट फ्री रही। 11 KVA के ऊपर कहीं जगहों पर दिक्कतें आईं, लेकिन वो फौरी तौर पर दुरुस्त कर ली गई। और करीबन 138 के करीब या 140 के करीब जो हमारे ट्रांसफार्मर्स वगैरह भी डैमेज हुए थे, उनमें से भी 115 के करीब सारे रिस्टोर किए जा चुके हैं और बाकी का भी रिस्टोरेशन तेज़ी से चल रहा है। तो एज ऑन डेट हमारी बिजली की पोजीशन बैक टू द सेम स्टेज है जहां पे बर्फ़ों से पहले थी। और जहां तक रोड्स का ताल्लुक है, हमारी मेन रोड जो है करीबन करीबन सब क्लियर हो चुकी हुई हैं। और इंटीरियर में कुछ रोड्स जो हैं उनके ऊपर भी काम तेज़ी से चल रहा है। और जो हमारी रोड लेंथ थी टोटल 7,627 किलोमीटर पे, जहाँ पे हैवी स्नोफॉल आया था, उनमें से जो आया कि हम ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना चाहेंगे। मेरे हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट साहिबान से, डायरेक्टर साहिबान से और प्रिंसिपल साहब से भी बात हुई। कोशिश ये है कि वहाँ पे समझा के किया जाए, थोड़ा बहुत जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हेल्प, पुलिस को वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नहीं, उनको डिसिप्लिन में रखने के लिए मेरी SSP साहब से बात भी हो गई है। कुछ मदद जो चाहिए होगी हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को, वो हम दे रहे हैं। ये वाकई सही बात है कि रश आज की डेट में ज़्यादा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लोग घरों में बंद थे तो सडनली रश आया है, लेकिन उसका भी मदावा किया जा रहा है। जी देखिए, इस फिशेस कुड बी हॉर्सेस, एवरीथिंग शुड हैव बीन देयर, देयर शुडंट हैव बीन एनी कोरोना। लेकिन जूं जूं जो प्रॉब्लम सामने आती हैं उसके साथ साथ ये नई चीज़ें हैं आ रही। सडनली डेल्टा आ गया, डेल्टा के बाद कुछ देर के बाद फिर ओमिक्रॉन कहीं पे इरप्ट हुआ। तो उसके साथ साथ जितनी जितनी भी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ बनानी जानी चाहिए वो बनाई जा रही हैं। और ये ऐसा एक सिचुएशन थी कि जिसको प्रीएम्प्ट करना भी थोड़ा मुश्किल था, लेकिन J&K की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी इस तरफ काम कर रहा है और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पे भी J&K में भी क्रिएट की जा रही है। झूठा इल्ज़ाम है जो स्टेट की और ख़ास तौर पर हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे लगाया जा रहा है। पहली तो बात यह है कि एक भी कंसर्न्ड जो हैं, चाहे वो एप्पल ग्रोअर्स हैं या सेलर्स हैं या मर्चेंट्स हैं, वो हमारे पास नहीं आए। ये अखबार में एक खबर आई थी कि एक अखबार में खबर छपी कि जी ईरानियन एप्पल आ गया, और जिस दिन ये खबर छपी है उसी दिन हमने उसका नोटिस लेकर फौरन उसके ऊपर पूछताछ स्टार्ट करवा दी है कि अगर है ऐसा तो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है और क्या चेकिंग के बगैर आ रहा है।
तो ये बात आपका कहना मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन, आपका कहने का मतलब है कि क्या वो स्मगल करवा रहे हैं। हम कश्मीर के एप्पल को वर्ल्ड मार्केट्स में इस वक्त भिजवा रहे हैं। हम इस वक्त आज भी दुबई में, कतर में चल रहा है हमारा एक, तो हम यहाँ वहाँ से लेकर यहाँ पर आएंगे। छोटी रोड्स हैं वो भी आज शाम तक या कल सुबह तक वो भी क्लियर हो जाएंगी। पानी का मैंने चेक करवाया, पानी की कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और जहाँ जहाँ पर भी बिकॉज पानी की प्रॉब्लम का डायरेक्ट कनेक्शन होता है बिजली की सप्लाई के साथ, तो चूंकि बिजली की सप्लाई इस दफ़ा इंश्योर की गई और ख़ास तौर पर जो एसेंशियल सर्विसेज वाली जगह थी, तो वहाँ पे हर एक जगह पे करीबन पानी, पीने का पानी साफ मुहैया किया जा रहा है। जो इसके अलावा जो मेन मकसद था कश्मीर के टूर का भी, और आप लोगों से बात कर कर आप लोगों के ज़रिए लोगों तक बात पहुंचाने का, वो ये है कि जो कोविड का इस वक्त एक स्पाइक आनी शुरू हुई है, उस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि लोगों में लापरवाही बहुत आ रही है। शायद कुछ टीवी चैनल्स पे उन्होंने ये सुन के कि ओमिक्रॉन जो है, जो ये नया वेरिएंट आया है, वो इतना डेडली नहीं है, बीमार करता है लेकिन फैटेलिटीज उसमें काफ़ी कम है, तो उन्होंने एहतियात को बिल्कुल आलमोस्ट ख़त्म कर दिया। और उसके चलते हुए उन्हें ये एहसास नहीं है कि अगर 1000 केसेस आते हैं कोविड के, तो उसमें से ओमिक्रॉन के केसेस 100 से भी कम हैं। बल्कि जम्मू कश्मीर को ले तो 5, 7, 8, 9 केसेस आ रहे हैं, जबकि बाकी केसेस जो हैं वो उसी डेल्टा वेरिएंट के हैं, जिसने पहले भी बहुत तबाही की है। तो आपके ज़रिए से मैं पब्लिक से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि इस चीज़ को लाइटली नहीं लीजिए, और इससे पेशतर के हालात उनके लिए ख़राब हो जाएं, बिकॉज हम उनकी सेफ्टी के लिए वरिड हैं, और उनकी सेफ्टी तभी हो सकती है जब वो अपनी सेफ्टी खुद करेंगे, अपनी एहतियात खुद बरतेंगे। हम नहीं चाहते किसी तरह से भी कि हम ज़ोर ज़बरदस्ती से पुलिस को इस्तेमाल करें, मजिस्ट्रेसी को इस्तेमाल करें और ज़बरदस्ती लोगों को मास्क पहनवाना शुरू करवाएं, या SOP जो कोविड की जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिव जो प्रोटोकॉल है उसको ज़बरदस्ती मनवाएं। ये लोगों पे खुद मुनहसर करता है कि वो अगर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने भी जाते हैं तो क्या अपनी सोशल डिस्टेंसिंग वो रख रहे हैं या नहीं रख रहे, क्योंकि अगर वो नहीं रखते हैं और खुदा न खास्ता वहाँ पर कोई कोविड इफेक्टेड पेशेंट कोई है वहाँ पर नमाजियों में से, तो वो वहाँ से वो इन्फेक्शन लेके अपने घर में अपने छोटे बच्चे बड़े बुज़ुर्गों तक वो इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं। तो अगर उनके घर में कल को खुदा ना खास्ता कोई ऐसी कोई नागहानी मौत भी होती है, तो उसकी जिम्मेदारी लेकर आज तक कोई नहीं लगा। नहीं, मैं देखिए ऐसा है कि उसमें केसेस वेसेस कर दिए गए हुए थे, और हमने टेक ओवर करने के बाद इसके ऊपर सीरियसली काम करना शुरू किया। और जैसे हम जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैंने बताया भी, आज की डेट में जो स्पोर्ट्स पर्सन फ्रटर्निटी है वो इतनी खुश है, पहली मर्तबा हिस्ट्री में 5 गजटेड पोस्ट पर ईयर हमने रखी। सुनते चलिए ना। और उसके बाद में 25 हर साल 25 नॉन गजटेड ऑफिसर्स आ रहे हैं। उसके अलावा जो गजटेड ऑफिसर भी आएंगे, उनको भी अगर वो अपनी कंटिन्यू करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को फ्यूचर में भी, तो उनके लिए एक आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी है। और इसी तरह जो हमारे नॉन गजटेड ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी करियर में 2 आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस उसके लिए रखी हैं, अगर वो कंटिन्यू करते हैं अपने उसको। हमने 2014 के बैच को भी उठाना है, 2014 में जो क्वालिफाई करते थे, जो जो हमने उसमें बनाया है जो लायमल, उसके बीच में जो फिट इन होते हैं, क्योंकि उसका हमने 5 साल पीछे का देखना है कि ताकि हम देखें कि ये प्लेयर जो है ये कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहा है। हमने उसी को आउटस्टैंडिंग प्लेयर वो होता है जो सडन स्पार्क ना हो, जो कंटिन्यूस चलते चलते मेहनत करते करते आगे आ रहा हो। तो उसके लिए हमने वो जो किया है उसमें 2014 वाले में भी जो कोई एज का मामला आएगा, दैट वुड आल्सो बी टैकल्ड, उसके लिए एक सेपरेट SRO है जिसमें उसको एग्जेम्पशन मिलती है। सर, द स्पोर्ट्स एसोसिएशंस बट नॉट गिविंग अ प्रॉपर चांस टू द एथलीट्स।
वी हैव ऑलरेडी इनिशिएटेड स्टेप्स टुवर्ड्स दैट, हमने ये किया है। मैं सबकी इतला के लिए उर्दू में बोलना चाहूँगा क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो उसमें ऐसा है कि बहुत सारी एसोसिएशंस जो हैं वो अपने जो नाम्स उनके हैं उनको इलेक्शंस करवाने हैं, उनको अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, उनके वो अकाउंट्स उनके सबमिट करने हैं, और वो सारा कुछ जो जो यूनियन गवर्नमेंट ने भी मिनिस्ट्री ने भी इसमें रखे हुए नाम्स और जो हमारी तरफ से भी हैं, जो जो वो एसोसिएशंस उनको नाम्स को पूरा कर रही हैं, हम उनको पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। हम उन एसोसिएशंस को भी मदद कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक वो नाम्स पूरे नहीं किए हैं, हम उन्हें चांस दे रहे हैं कि अच्छा नेक्स्ट 3 मंथ्स में कर लीजिए, नेक्स्ट 6 महीने में कर लीजिए। हम किसी को डिनाय नहीं करना चाहते क्योंकि हम किसी तरीके से ऐसा नहीं चाहते कि किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को जो उस गेम के साथ जुड़ा हुआ है जिसके साथ वो एसोसिएशन जुड़ी है उसको किसी तरीके का नुकसान आए, क्योंकि जो हमारे इस महकमे की जो एग्जिस्टेंस है वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है और स्पोर्ट्स पर्सन की देखभाल करना उसकी एसोसिएशन का काम है। जो एसोसिएशन उसमें अच्छा काम कर रही हैं उनके साथ हम शाना बशाना खड़े हैं कि पेशेंट्स की देखभाल के लिए, चाहे वो हमारा चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल है या SMHS है, हमारा JVC है, तो उनसे उनके जो मुतल्लिका ऑफिसरान हैं, डायरेक्टर साहिबान हैं, सुपरिटेंडेंट साहिबान हैं, उनसे बात की जो भी अरेंजमेंट, क्योंकि पीछे वाला जो हमारा तजुर्बा रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की भी एडमिनिस्ट्रेशन, कश्मीर वैली में ही नहीं जम्मू प्रांत में भी पूरी तरह से इसमें तैयार है किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए। अस्पतालों में सफिशेंट बेड्स मुहैया हैं, सफिशेंट मकदार में ऑक्सीजन प्लांट्स लगे हुए हैं और वो किसी भी किस्म की सिचुएशन को टैकल करने के लिए काफ़ी हैं। डॉक्टर्स से भी हमने डिस्कशन की है, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कहीं पे, उनकी तरफ भी तवज्जो दी जा रही है, कुछ प्रॉब्लम्स फौरी तौर पर हल हो सकती हैं उनको हम देख रहे हैं, और कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जिनके लिए शायद वक्त लगता है लेकिन उनकी तरफ भी सरकार का ध्यान है। तो बाय एंड लार्ज हम कोविड के मामले में भी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं सिवाय इस चीज़ के कि उन्हें अपना ध्यान खुद रखने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और जहाँ तक बाकी फैसिलिटीज़ का ताल्लुक है, बिजली है, पानी है, रोड्स है, राशन है, उस तमाम में हर एक जगह के ऊपर इस वक्त कहीं पे कोई प्रॉब्लम हमें सामने नहीं आई। और मैंने बिजली के मामले में तो मैं स्पेशली थैंक्स टू चीफ इंजीनियर साहब, मैं उनके वहाँ पे कंट्रोल रूम में भी गया और जहाँ पे डायरेक्ट उनके कॉल सेंटर में जो कॉल्स आ रही थी मैं खुद उनको मॉनिटर कर रहा था कि किस तरीके से कॉल आई है, उसके ऊपर क्या क्या एक्शन हुए हैं, किस किस जगह पे किस अफसर को बताया गया और वो ऑफिसर कैसे उसको रिएक्ट कर रहा है। तो जितने भी ये डिपार्टमेंट हैं मुतलका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सरबराही में, इन तमाम डिपार्टमेंट्स का काम जो है इस वक्त तक बहुत सराहना के तारीफ के काबिल रहा है। शुक्रिया।